सबसे पहले पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं केकेआर कहां है, आरसीबी कहां है, फिर उसके बाद प्लेइंग 11 और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक बार पॉइंट्स टेबल दिखा दो अपडेटेड पॉइंट्स टेबल जो है, देखो बैंगलोर है लखनऊ के बाद यानी कि नंबर 5 पर, 7 में से 4 जीते हैं बैंगलोर ने, 3 हारे और सारे ने 7 खेल लिया। केकेआर की सारे मैचेस ने 7 टीम 7 मैच केकेआर ने जीते हैं, 2 और 5 हारे हैं। तो ये है अभी करंट स्टैंडिंग्स दोनों ही टीमों की, आरसीबी और केकेआर की। मतलब कल का मुकाबला बैंगलोर के लिए ज्यादा मायने रखेगा, बिकॉज अगर वो यहाँ से एक विनिंग मोमेंटम ले लेते हैं, क्योंकि 50% हो ही चुका है हर टीम के लिए टूर्नामेंट, तो दे कैन कम इन द लीग की टॉप 4 की फिनिश एम कर सके, बिकॉज कोलकाता तो 8वें स्थान कल के लिए। कल का मुकाबला केकेआर के लिए भी मायने, अगर उन्हें रिवाइव करना है अपने आप को, अगर उन्हें अभी भी बनाए रखना, वरना कल हार के तो फिर ऑलमोस्ट खत्म है केकेआर के लिए भी। एक बार सबसे पहले बैंगलोर की प्रीवियस मैच की प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि कौन कौन दिखा दीजिए बैंगलोर की प्लेइंग 11 में। सिवाय आरसीबी, आरसीबी मेरे ख्याल कितने 3 बार जीत गए एक साथ या 2 बार जीते एक साथ, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, प्रभु देसाई, शाहबाज अहमद, वरंदु हसरंगा, डेविड विली, व्यासक, विजय कुमार, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज। तो ये की विनिंग टीम थी, मोहम्मद सिराज आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, विराट कोहली पहली बॉल पे आउट हो गए थे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, बट उसके बावजूद ग्लेन मैक्सवेल और फैब डुप्लेसी ने बहुत बढ़िया खेला। फैब डुप्लेसी ऑरेंज कैप भी होल्डर है, बट उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए आपका जो लग रहा था 225 होगा स्कोर, 190 पे रह गया, बिकॉज उनके बाद बैटिंग ही नहीं है। दिनेश कार्तिक पता नहीं क्या हो रहा है, दिनेश कार्तिक पिछली बार उन्होंने 3 नंबर पे मेरे ख्याल शाहबाज को भेज दिया, तो ये भी आरसीबी को देखना पड़ेगा कि भाई ये हर रोज अगर मजाक करोगे तो एक दो मैचेस जीतो। कल मैच है का राजस्थान, सॉरी शायद बैंगलोर में, कल भी बैंगलोर में पड़ेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं पता, ऐसा नहीं आरसीबी के क्या कल बैंगलोर में, हाँ बैंगलोर में, हाँ तो फिर चेन्नई सॉरी कल बैंगलोर में है मैच, सुपर चैट भी ले लेंगे। यहाँ पे देखिए वो बड़े ही शायद स्कोर बने फिर से चेन्नई सॉरी, बट यार मिडिल ऑर्डर तो नहीं है मेन प्रॉब्लम आपकी, ये मिडिल ऑर्डर। अच्छा हेजलवुड का क्या चक्कर है, हेजलवुड कल के मैच में हो सकते हैं, हो सकता है, वरना पहले भी उनके ऊपर आया था अपडेट कि हेजलवुड पिछले मैच में आरआर के अगेंस्ट खेलने वाले थे लेकिन उसके बाद नहीं खेले वो। आई थिंक उन्हें अभी वहां से ऑस्ट्रेलिया से परमिशन नहीं मिली है खेलने की, तो उसी वजह से अभी उन्हें नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन वो फिट जरूर है, नेट्स में खेलते हुए दिख रहे हैं, बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी वहां से इंडिकेशन नहीं आया, वहां से अभी हरी झंडी नहीं दिखाई गई है कि भाई आप खेलो, तो हेजलवुड को ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है अभी कि हेजलवुड कल का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन जो हम अभी बात कर रहे थे मुंबई के बारे में, आरसीबी के भी वही सेम मसाइल है, एक तो उनका मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग भी, बॉलिंग में अगर आप देखें मोहम्मद सिराज के अलावा हसरंगा है और बाकी कोई नहीं है, तो बॉलिंग भी उनकी वैसी ही, और पिछली बार हर्षल बेटर बॉलर, हर्षल एक दो मैच में दो मैच छह मैच वो खराब कर, नहीं लेकिन दो मैच में अच्छी बॉल डाली है, दो मैच में अच्छी बॉल डाली है। आप केकेआर के भी दिखा दिए, देखिए केकेआर तो इस टाइम पे दिल्ली से भी बुरा खेल रही है, और मेरे ख्याल सबसे बुरी एकदम से साइड सबसे बुरी हो गई है केकेआर, ऐसा मैच हो सकती है इनसे बुरी, जो सबके फेवरेट्स बन गए थे, जो रिंकू ने 5 छक्के मारे थे, रिंकू ने 5 छक्के मारे थे उसके बाद से तो लग रहा था कि जीत जाएंगे। जगदीशन, गुरबाज, राणा जी, रिंकू सिंह, रसल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग से एक मैच में अच्छा कर रहा था, शार्दुल ठाकुर को बाहर करा हुआ है, पता नहीं खिलाएंगे, शार्दुल ठाकुर कहाँ खेला था लास्ट मैच, गलत प्रीवियस 11 दिया आपने। वरुण चक्रवर्ती, सुरेश शर्मा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सुनील नारायण को बाहर पड़ रही है, लॉकी फर्गसन भी नहीं खेले थे और उमेश यादव खेले थे, तो इनकी भी टीम ना अभी समझ में नहीं आ रहा कि इनकी टीम किस तरीके से होगी, बट ओवरऑल वासुद आपको लगता है केकेआर फाइट दे सकती है इस टाइम पे आरसीबी को? केकेआर को आना पड़ेगा, बिकॉज जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा इस बात का, और अरे इतना पोटेंशियल दिखा है अपने 5 छह, हमारा फ्यूचर है शुरू में, विराट कोहली या रोहित शर्मा हमारा फ्यूचर नहीं है, ठीक है, आप ये रिंकू सिंह को आना पड़ेगा, दे हैव टू, एंड रिंकू इज परफॉर्मिंग वेरी कंसिस्टेंटली, अकेला पढ़ रहा है, बट उस दिन चैट सुन रहा था, 2 मिनट सुना ऐसे, गिल बोल रहा है ऊपर क्यों नहीं आते, गिल बोल रहा है ऊपर क्यों नहीं आते, रिंकू बोला यार नीचे ही खेल रहा हूँ, क्या कर, वो थोड़ी बोल पाएगा मैं ऊपर आना चाहता हूँ, ऊपर आएगा तो बेटर करेगा, बट रिंकू के लिए यू नो आई मीन आई सेड दैट मिस्टर राणा जी उनका पेटेंट है, 2-3 नॉक खेलते अच्छे, कप्तानी दे दिया, प्रेशर में है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक रिंकू हैज टू बी प्रमोटेड समवेयर, बिकॉज रिंकू इज वन गाय एंड केकेआर विल हैव टू चेंज देयर स्ट्रेटजी। शार्दुल को लाना पड़ेगा, शार्दुल ठाकुर इज एन इम्पोर्टेंट कॉक इन द विन, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जिस वो एक एपिसोड हुआ था जिसमें रसल निकल गया था, शार्दुल को डालना पड़ा, पूरा मैच में बॉलिंग नहीं कराया, शार्दुल इज एन ऑलराउंडर, ही इज अ सर्टिफाइड ऑलराउंडर फॉर इंडियन टेस्ट टीम, डब्ल्यूटीसी फाइनल टीम में है, 15 टीम में है, तो आपको वो इतना तो इज्जत देनी पड़ेगी, इतना इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आई थिंक दे विल हैव टू रीग्रुप एंड कम स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज अ गुड ऑपोजिशन आरसीबी,
इनको अगर प्रेशर में डालोगे शायद कुछ हो जाए एंड दे नीड वन विन टू एक्चुअली आफ्टर दैट 5-6 मैच 5-6 वाला जो मैच था रिंकू जीता नहीं है तीन मैच हारी है केकेआर दो ही मैच जीती है एक जीटी के अगेंस्ट और एक आरसीबी के अगेंस्ट आरसीबी को इन्होंने अपने पहले मैच में हराया था तो दोबारा आरसीबी के ऊपर दबाव जरूर आरसीबी के आई थिंक दबाव जरूर हुआ केकेआर को क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली आउट हो गए थे सुनील अरेन से फिर वरुण चक्रवर्ती ने आके अचानक से 3-4 को आउट कर दिया था लेकिन जिस तरीके से मोटा मोटी फोर्थ स्पॉट के लिए केकेआर दावेदार हो सकता है इफ दे स्टार्ट प्लेइंग वेल बिकॉज अभी यू नो रनिंग आउट ऑफ स्टीम 7 मैच हो चुका है चेन्नई जीटी राजस्थान दे आर डेफिनेटली इन टॉप 4 नंबर 4 स्पॉट के लिए कौन लड़के ले लो जो लड़ना है आरसीबी अगर कल जीतता है तो 8-5 हो जाएगा और टॉप 4 पे आ जाएगा ना टॉप 4 में आ जाएगा देखिए एक दो दिन का टॉप 4 का पोजीशन लेके आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे आपको कंसिस्टेंटली जीतना पड़ेगा बिकॉज़ दीस गाइस विल डेफिनेटली डू वेल और दिल्ली कल एक बड़े मतलब ऐसा अब इजी तो कोई मैच नहीं है बट कल एक ऐसा मैच है जो आरसीबी को जीतना चाहिए गिवन केकेआर फॉर्म गिवन केकेआर स्ट्रगल्स के भाई उनको ओपनर नहीं पता बीच में रन नहीं बन रहे अजीबोगरीब बैटिंग हो रही है कभी आप सुनील अरेन को ओपन करने भेज देते हो हालांकि पिछले मैच में उसने बहुत बढ़िया खेला था भाई क्या नाम उसका जेसन रॉय जो आपका सर्टिफाइड ओपनर है जिसने इंग्लैंड के लिए कमाल की ओपनिंग बोल रहे थे शायद इंजर्ड था या कुछ था पता नहीं वो इंजर्ड हो गया था इसीलिए लेकिन आप नंबर 5 पे भेजोगे आप उसे एक चीज इंजर्ड था तो भेजना तो जब उसको ठीक लगेगा तभी जाएगा ना वो ठीक खिला सकते हैं आपने सुनील नरेन को गलती करी भेज के बट इनकी बॉलिंग पे भी दम नहीं नजर आ रहा एकदम से सुनील नरेन पिटने लग गए बट कल अगेंस्ट अच्छा आरसीबी पहला मैच केकेआर से हारी हुई है ये तो हमको याद नहीं था बिकॉज आरसीबी बुरी तरह हार गई थी सुनील नरेन ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया था वरुण चक्रवर्ती ने पूरी मिडिल ऑर्डर खा लिया था पैप को भी मैक्सवेल को भी खत्म कर दिया था सुयश ने भी सुयश का डेब्यू मैच तो 3 विकेट ले लिए इनके स्पिनर्स पूरा का पूरा आरसीबी को खत्म कर गए थे इस बार भी क्या रिपीट होगा पहले मैच का अगर रिपीट होता है तो भैया आरसीबी के लिए भी ये देख लो कि आपके लिए भी प्लेऑफ की बर्थ फिर मुश्किल बिकॉज हर मैच के साथ आप पीछे जाते हैं अब देखिए अब 7 मैच हो गया ना अब बिजनेस एंड शुरू है बिल्कुल बिल्कुल और शुरू है और यहां से बार बार बोल रहा हूं जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं 3 टीम का मोटा मोटी एक क्लियर पाथ है एक चेन्नई एक है जीटी और एक फोर्थ स्पॉट के लिए आपको लड़ना पड़ेगा मुंबई जस्ट कंटेंशन के बाहर है बिकॉज मुंबई का बॉलिंग ऐसा है कि वो यहाँ से 7 या 6 मैच जीत नहीं पाएंगे हो गया दिल्ली 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 के बारे में ये बताएंगे आरसीबी के बारे में ये बताएंगे और पंजाब है पंजाब है पंजाब पंजाब ने हराया मुंबई को भी फाइट में था फाइट में है पक्का नहीं है फोर्थ स्पॉट के लिए लड़ो लड़ो या मरो कल का मैच जिस तरह से होने वाला है वो आरसीबी के फेवर में जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है बिकॉज अगर आप जस्ट लास्ट मैच देखोगे हाँ जी तो आरसीबी राजस्थान रॉयल टेबल टॉपर्स को हरा के आ रही है 7 रनों से नौ ये एक ऐसी टीम है जो हमेशा से टॉप हैवी कही जाती है केकेआर का प्लेइंग 11 देखते हैं हम हाँ टॉप हैवी कहा जाता है इस टीम को ठीक है लेकिन आरसीबी को लेकिन उसके बावजूद अगर आप पिछले मैच को याद करोगे तो हमने देखा कि टॉप हैवी होने के बावजूद ये एक टॉप टेबल टॉपर मतलब टेबल टॉपर्स को हरा पाए थे वहीं अगर हम केकेआर की बात करते हैं और जैसे दादा ने सुशांत ने सभी ने बात की है मानते भी हैं अब तो जानते हैं कि ये बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है तो यहाँ से केकेआर अगर 7 गेम्स में अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं ढूंढ पाया है अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर तो यहाँ से उम्मीद रखना कि वो कंसिस्टेंसी ले आए वो आई थिंक बहुत ही इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ सिचुएशन है पार्टी कूपर्स ये जरूर बन सकते हैं कि ऑन अ गिवन डे किसी टीम को हरा दे जिसकी चांसेस हैं कि वो टॉप 4 में फिनिश ऑफ करने वाली हो सकता है बट आरसीबी के पास कल पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस गेम को अपने फेवर में कर ले होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं फेमिलियर कंडीशन पे खेलेंगे क्राउड सपोर्ट होगा और ऊपर से इनके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनके लिए मैच विनर्स बन सकते हैं और बनते भी हैं ग्लेन मैक्सवेल हुए विराट कोहली हुए तो फुल अपॉर्चुनिटी है यहाँ से आरसीबी के लिए कि 2 पॉइंट्स भी ले और अपने नेट रन रेट को भी वर्क अपॉन कर ले चौथे स्पॉट के लिए सो यस ऑफ कोर्स इट शुड बी अ गेम दैट गोज इन देयर फेवर टू चलिए कल देखते हैं मजा आएगा सुपर चैट जो है तीनों की तीनों भेज दीजिए फटाफट सुपर चैट लेके अभी का शो एंड करते हैं बड़ा लंबा हो गया और आज तो बड़ा इंटेंस शो बड़े दिन के बाद